चेयरमैन नैब के हवाले से बात करते हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मालम जब्बा और बीआरटी रेफरेंसेस भी तैयार हैं। पहली बार बड़े बड़े छक्के मारने वाले जेलों में हैं। हवा का रुख बदलने लगा है, कुछ अरसे में नजर आ जाएगा। मजीद कहा कि हुकूमत को साबित करना पड़ेगा कि वो रियासत मदीना बना रही है। हवाओं का रुख बदलने लगा है और ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे। नैब करके आ रहा है, नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा, नैब करके आ रहा है वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इलम नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। माजी में जो कुछ हुआ ऐसे लोग भी आपके सामने हैं। किसी इदारे की या किसी की ये जरूरत नहीं थी कि उनसे पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है और इसका क्रेडिट नैब को जाता है जिन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे। आजकल क्रिकेट का दौर है तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज वो पसे जिंदा हैं या वो अदालतों में अपनी जमानत के लिए कोशा हैं या वो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से रवा हो गए हैं। हुकूमत को सिर्फ इतना सा क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने नैब के मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं की।